दस बरस पहले पावापुरी तीर्थ स्थल पर कविता पढ़ने के लिए निमंत्रण दिया था। मैंने कहा पावापुरी की विशेषता क्या है? इसने कहा साहब वहां भगवान महावीर स्वामी की समाधि है, पवित्र जल मंदिर है। मैंने माफ ये यहीं बैठा, मैं पैसा भी अच्छा खासा दे रहा था लेकिन मैंने इनकार कर दिया। सुनना, मैं कहना चाहता हूं कि यो तो मंत्र हजारों है जो जीवन गति संचार करे और भव सागर की लहरों से ये जीवन नौका पार करे। कई मंत्र तो वशीकरण के मन में फूल खिलाते हैं और कई मंत्र वैवाहिक बंधन हाथों हाथ मिलाते हैं। वाह, कि कई मंत्र तो वशीकरण के मन में फूल खिलाते हैं, कई मंत्र वैवाहिक बंधन हाथों हाथ मिलाते हैं। कई मंत्र सुन खिल जाती, कई मंत्र सुन खिल जाती, ये जनता रानी राजा है लेकिन इन सारे मंत्रों का नमोकार महाराजा है। भाई वाह, बोल नमोकार, नमोकार पे भी। कई मंत्र सुन खिल जाती, ये जनता रानी राजा है लेकिन इन सारे मंत्रों का नमोकार महाराजा है। क्यों? क्योंकि नमो अरिहंतानम का स्वर जब कानों में पड़ता है तो अरिहंतों को नमस्कार करने का भाव उमड़ता है। भाई वाह वाह, नमो नमो अरिहंतानम का स्वर जब कानों में पड़ता है अरिहंतों को नमस्कार करने का भाव उमड़ता है। नमो सिद्धानम, सिद्धों को नमस्कार अभिराम कहे। नमो आयरियाणम को, नमो लोय सब साहुणम। तो ऐसी पंच परमेश्वरी को, ऐसी पंच परमेश्वरी को जो हर दिन दोहराता है सिर्फ वही जन इस धरती पर सच्चा जैन कहता है। भाई चाचा जिंदाबाद। हमें और ये संस्कार ये केवल जैन धर्म के अनुयायी में ही हो सकता है। मुझे मैं सौभाग्यशाली हूं कि रूपमुनि महाराज साहब का कईयों का आशीष मुझ पे मिला है। मैं जैनत्व से क्यों प्रभावित हूं और कहना चाहता हूं 24 वंदना की पंक्तियां कुछ आखिर में रख रहा हूं कि जैन धर्म की फुलवारी को कलियां कहीं सजाती है, कई महामुनियों की सौरभ इस उपवन से आती है। कई संत तो ऐसे हैं जिनने ऊंचे आकाश हुए मगर जीव जन कल्याण के हित तीर्थंकर 24 हुए। भाई वाह चाचा वाह। और अब गिना रहा हूं, क्रम गिना रहा हूं, जो लोग जानते हैं समर्थन देना। क्या क्या कर, ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमतिनाथ से शुरू हुआ। 24 वंदना करना चाहता हूं कि ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमतिनाथ से शुरू हुआ, पद्म प्रभ सुपार्श्वनाथ और चंद्र प्रभु ने हृदय छुआ। चंद्र प्रभु ने हृदय छुआ, पुष्प दंत शीतल श्रेयांश, पुष्प दंत शीतल श्रेयांश और वासु पूज्य भी मन भाए। विमल अनंत धर्म शांत संग कुंथ नाथ हर्षाए। तो हरेनाथ श्री मल्लीनाथ और सुव्रत नाथ हमारे हैं, नमीनाथ और नेमीनाथ संग पार्श्वनाथ प्रभु प्यारे हैं। तो ये 2300 तीर्थंकर अब तक मैंने 23 गिनवाए हैं। चौथी पंक्ति पर आकाश गूंज जाना चाहिए, ये 2300 तीर्थंकर जब भूमंडल महकाते हैं तब 24 वीर प्रभु श्री महावीर जी आते हैं। भाई जिंदाबाद। आहो जैन धर्म की। भाई चाचा वाह वाह वाह। ये 2300 तीर्थंकर जब भूमंडल महकाते हैं तब 24 वीर प्रभु श्री महावीर जी आते हैं। तो जो 2400 तीर्थंकर को, जो 2400 तीर्थंकर को नित उठ सिर झुकाता है सिर्फ वही जन इस धरती पर सच्चा जैन कहता है। वाह 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 वाह। भाई चाचा जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद धन्यवाद। इस निर्मल लाहटा ने मुझे 10 बरस पहले पावापुरी तीर्थ स्थल पर कविता पढ़ने के लिए निमंत्रण दिया था। मैंने कहा पावापुरी की विशेषता क्या है? इसने कहा साहब वहां भगवान महावीर स्वामी की समाधि है, पवित्र जल मंदिर है। मैंने माफ ये यहीं बैठा, मैं पैसा भी अच्छा खासा दे रहा था लेकिन मैंने इनकार कर दिया। क्योंकि महावीर स्वामी जैसे अहिंसा के पुजारी के आंगन में जा रहा हूं, मैं इस्लाम का बेटा, मेरा खान पान अलग। लेकिन मित्रों मैंने अपने आप में परिवर्तन किया,
गत वर्ष मैंने आगे होकर फोन करके इसको कहा कि अब मैं उस महावीर स्वामी के तीर्थ स्थल पर जाना चाहता हूं, क्योंकि अब अब्दुल गफ्फार ने अपनी जिंदगी का रुख मोड़ लिया है। और आपको जानकर शायद ये ताज्जुब हो, यह अतुल ज्वाला बैठा हुआ है, इसके इंदौर के पास पुष्पगिर तीर्थ स्थल है। 2008 में यह मुझे मिला, इसके संचालन में कवि सम्मेलन था, मैंने उस तीर्थ स्थल से एक संकल्प लिया। पुष्पधन सिंह सागर जी महाराज जो तरुण सागर जी के गुरु हैं, उनके सामने एक शपथ ली कि अब अब्दुल गफ्फार तमाम उम्र संपूर्ण शाकाहारी बनकर व्यतीत करेगा। भाई वाह, अनुमोदना। और तब मैं निर्मल के साथ गया कि अब अपने आप को मैं महावीर स्वामी को चरण स्पर्श करने का हकदार मानता हूं, अब मुझे बोलो। बहुत अच्छे।